अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। इधर मैं अपने अंकल की, मेरी अंकल की शादी आ रही है और उसकी डेट फिक्स होनी है, उधर मैं जा रही थी। ये वाला मैंने आउटफिट पहना था, ये वाली मैक्सी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। इसका ये कॉपर प्लेट टाइप का ही ड्रेस है और सारी इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी, ये काम हुआ पड़ा इसके ऊपर जो भी इसे बोलते हैं। ये वाला ड्रेस पहन के गई थी मैं। ये इसके साथ का दुपट्टा है ये वाला, और बिल ये इसके ऊपर सिंपल सी ये बस ये नग वगैरह लगे हुए हैं दुपट्टे के ऊपर। इसको प्रेस करना इतना मुश्किल हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और ये वाली मैं इसके साथ शॉल लेके गई थी क्योंकि तब थोड़ी सर्दी थी, तो मैंने कहा शाम के टाइम सर्दी हो जाएगी और फिर इसलिए मैंने ये वाली शॉल ली। ड्रेस तो मैंने प्रेस कर लिया था बट सूट मैंने प्रेस नहीं किया था, वो दुपट्टा शॉल नहीं की थी। अब मैं इधर ये जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही थी और अलग ही खुशी थी। हालांकि मेरा, हमारा और मेरी अम्मी की तरफ जाने का रास्ता सिर्फ, हम अगर गाड़ी वगैरह पर जाएँ 15 मिनट का रास्ता, फिर भी मैं सबसे लेट जाती हूँ। हर फंक्शन में ऐसा होता है कि मैं सबसे लेट जाती हूँ। और इधर मैं अभी जल्दी जल्दी से अपने काम वाइंड अप कर रही थी। बाहर हस्बैंड के अभी काम रहते थे और वो अपने काम कर रहे थे, बाकी मैंने कहा जल्दी से मैं अपनी तैयारी कर लूँ। ये वाला बेबी का ड्रेस है, ये भी इसकी बर्थडे पे जो गिफ्ट मिला था, मैंने इसे अभी पहनाया नहीं था, मैंने इसलिए संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा इसको मैं तब ही पहनाऊंगी तब हम उधर जाएंगे, इसलिए ये वाला ड्रेस मैंने रखा हुआ था, ये मैंने उसे तब पहनाया था। उधर हम गए सबसे लेट, ये खाना था। और हर दफ़ा ऐसा था कि हम सबसे लेट जाते हैं, हमें खाना ही नहीं बचता, मतलब थोड़ा बहुत होता है। खैर ये इधर हम खाना खा रहे थे और जो कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग ठीक हो गए और मज़े में हो के। इधर अब मैं अपने अंकल की कर रही हूँ दावत, जिसकी है शादी। और इतना मैस हुआ पड़ा, अभी मुझे सारा क्लियर करना है, सफाई वगैरह करनी है, फिर जाके कुछ होगा काम। मुझे कुछ ये मुझे अभी साफ करना, सारा ये क्लीन करना है, वैनिटी साफ करनी है, अभी ये सारी बेबी कबर्ड, दूसरा ये मेरा सारा जो खिलारा खिलरा हुआ ये सब कुछ अभी मैंने साफ करना है। और पीछे बेबी है बहुत ज़्यादा मैस, अभी इतना काम पड़ा, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ सारा। और टेंशन से मेरे सर में हो रही है दर्द। और इधर मैंने बेबी को अभी सुलाया है जो बार बार मुझे तंग कर रहा था। और बाकी इधर देखो अभी कितना मैस पड़ा हुआ, और ये अभी मैंने सारा काम करना है। वैनिटी तकरीबन मेरी हो गई है साफ, तकरीबन ये बैठ के सोच रही हूँ कि अभी साथ साथ के कौन सी वाली बेडशीट मैं बिछाऊँगी। और बाकी फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया, तकरीबन। और अवॉइड माय प्लास्टिक का गल्ला, मुझे बहुत शौक है इस तरह के छोटे छोटे से मनी बॉक्स लेने का और उनमें पैसे कलेक्ट करने का, बस सबके अपने अपने शौक होते हैं। और बाकी अभी कर्टन भी वॉश करने, स्पिनर मेरा ख़राब हुआ पड़ा था तो आज वो स्पिनर वाला भी सही करने आया स्पिनर को, और फिर बाकी सारे काम करूँगी। देखो अब होता है, हो गई है सारी कंप्लीट, इसमें हाफ चीज़ें हाफ इधर। और ये दिस इज़ वन डन, अब मैं करती हूँ सोफों के कवर भी वॉच करके अभी मैंने डाल दिए, बाकी ये सारा मैस अभी क्लीन अप करना। और इधर भी
इसकी आवाज जैसे खोलना भी नहीं आता, कैसे खोलता है इस टाइप का लुक देख लो आप लोग। इतने पिक के ये इसके इतने स्टेप है का बॉक्स है, इसमें से मैंने चम्मच निकाल दी। ऊपर ये सारी चीज़ें खाना डाइनिंग टेबल पे लगाना था, पर उस वाले कमरे में मेरी जिठानी की सारी चीज़ें रखी हुई थी, डाइनिंग टेबल पीछे छुपा हुआ था। इसकी वजह से मैंने अपने रूम में ही टेबल सेट किए, पर रूम में
चीज़ें इतनी हो गई थी कि टेबलों पे पूरी नहीं आई। फिर हमने नीचे चटाई बिछाई, फिर खाना खिलाया। रात का टाइम है जब हम फ्री हो गए थे। बर्तन वगैरह हमने सेट करके वॉश करके रखे थे, ये मैंने इधर रख दिए थे ताकि ये खुश्क हो जाए। मेहमानों से बाद इतनी ज़्यादा खिलारा खिल जाता है। बर्तनों का सबसे मुश्किल काम ये लगता है। और एक मिठाई की टोकरी लेके आए थे और एक वो ऑरेंज की माल्टो की क्रेट लेके आए थे। और ये मैंने जितना हो सका मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए। बाकी बिरयानी बनाई थी वो, उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आई होप आप लोगों के वीडियो पसंद आए। तो पसंद आए लाइक से।